हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टाइकून। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वोकैब्स रिलेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। ये वीडियो भी पार्ट है मेरी 1 लाख वर्ड मीनिंग सीरीज का, और इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कुछ फ्रूट्स के इंग्लिश नेम और वेजिटेबल के नेम, और ये वीडियो भी आपको हेल्प करेगी अपनी वोकैब्स को एनहांस करने में, क्योंकि किसी भी छोटी से छोटी चीज़ को भी अंडर एस्टिमेट ना करें। हर एक चीज़ की स्पेलिंग, हर एक चीज़ का इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश वेरी फास्ट, यू नीड टू नो द वर्ड मीनिंग ऑफ एवरी थिंग्स। हर एक चीज़ का इंग्लिश नेम, इंग्लिश मैं उस चीज़ को क्या कहते हैं आपको पता होगा, तभी आप इंप्रूव कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वेरी फास्ट। पहला है देखिए कैबेज, ये एक वेजिटेबल है, कैबेज ग्रीन वेजिटेबल। अगला है लिटस, फिगर भी है, आप फिगर को भी देखिए, रिकॉग्नाइज करें, ताकि आप किसी भी चीज़ को देख के उसको तुरंत रिकॉग्नाइज कर सके और बता सके क्यों है क्या। चलो पहला वर्ड है कोबेज, कैबेज, सॉरी कैबेज, कैबेज को जिसको आप पत्ता गोभी कहते हैं वो कैबेज है। नेक्स्ट है लिटस, नेक्स्ट है नेक्ट्राइन, नेक्स्ट है ग्रैप्स, आपको पता होगा ग्रैप्स के बारे में। नेक्स्ट है वाटरमेलन, फिगर को देखिए आपके दिमाग में स्पेलिंग उसकी सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आप मार्केट में देखते हैं अवेलेबल रहती है, स्ट्रॉबेरी काफ़ी कॉस्टली मिलता है ये। नेक्स्ट है चेरी, चेरी सी एच ई डबल आर वाई, चेरी, दिस इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फ्रूट। ठीक है, तो ये सारे ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनके नेम आपको ये पता होना चाहिए, ताकि आप कहीं भी इनको देखें तो यू कैन स्पीक आउट दैट व्हाट इज़ इन इंग्लिश व्हाट इज़ दैट। अगर आपको इनका नाम इंग्लिश में पता नहीं होगा तो आप उसको स्पीक आउट नहीं करेंगे। अगला चलिए देखिए कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, बनाना बहुत ही फेमस है, आप सबको जानते हैं, हम सबको बहुत ही पसंद है बनाना भी। नेक्स्ट है मैंगो, मैंगो जो कि किंग है, किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। अगला है कस्टर्ड एप्पल, नेक्स्ट है वाटरमेलन, अगला है कोकोनट, नेक्स्ट है फिग, नेक्स्ट है ग्रेप्स, ये ग्रीन ग्रेप्स है, पर्पल ग्रेप्स भी आता है, ऑरेंज, नेक्स्ट है ऑरेंज। तो ये सारे जो फ्रूट्स हैं इनकी नेम आपको याद होने चाहिए इन इंग्लिश व्हाट दे आर कॉल्ड, तभी आप इनको जब भी आप देखेंगे देन यू विल स्पीक आउट इमीडिएटली कि ये है क्या। चलिए अगला देखिए स्टार फ्रूट, ये स्टार फ्रूट है, मार्केट में अवेलेबल आप देखते हैं मिलता है। नेक्स्ट है गुआवा, गुआवा के बाद है पपाया, पी ए पी ए वाई ए। नेक्स्ट है लीची, एल वाई सी एच डबल ई, लीची। नेक्स्ट है पैसन फ्रूट, नेक्स्ट इज वाटर एप्पल, आप फिगर को देखिए फिर स्पेलिंग को लर्न करें, उसके बाद ये आपके दिमाग पर सेट हो जाएगा परमानेंटली। नेक्स्ट है पोमीग्रेनेट जिसे अनार कहते हैं। नेक्स्ट है लेमन, इसका फ्लेवर खट्टा होता है और ये इट इज़ यूज्ड एंड डिफरेंट मेकिंग डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो ये सारे फ्रूट्स हैं और इनकी स्पेलिंग और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ताकि आप इन्हें कहीं भी देखें तो आप इजीली कॉल्ड आउट स्पीक आउट कर सकें कि व्हाट इज़ दैट इजीली, क्योंकि अगर आप इनको पता नहीं होगा कि व्हाट यू कॉल दीज फ्रूट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज देन यू विल फेस प्रॉब्लम, आप हेजिटेट करेंगे, यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट। तो इसके लिए बेटर ये है कि आप कम से कम 2-3 बार इसको रिवाइज करो, इसको लर्न करें। दीज आर बहुत बेसिक थिंग है, बट फिर भी कभी कभी किसी भी छोटी छोटी चीज़ को भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वी शुड नो एवरी थिंग, ताकि कहीं भी हम नर्वस या फिर साई फील ना करें व्हेन वी स्पीकिंग। इफ़ यू नो दैट यू कैन स्पीक वेरी वेल विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, चलिए अगला देखिए ग्रेप्स फ्रूट, ग्रेप्स फ्रूट। अगला है चीकू, चीकू काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट, और नेक्स्ट इज जैक फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट एंड नेक्स्ट इज जैक फ्रूट, आपने इसको खाया भी होगा। ये सारे फ्रूट्स ईजिली अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, आपने इसको देखा भी होगा और खाया भी होगा आई होप। और चलिए अगला देखिए, अगला है पपाया, लीची, नेक्स्ट इज पोमीग्रेनेट जिसे अनार कहते हैं, नेक्स्ट इज लेमन। सो डियर स्टूडेंट्स, आप ये सारे वर्ड्स प्रिपेयर करें, ये किसी भी चीज़ को छोटा नहीं समझना चाहिए, ये वर्ड्स भी अगर आपको नहीं पता होंगे तो यू आर नॉट एबल टू स्पीक आउट और आपको नर्वस फील होगा, यू विल हेजिटेट वाइल स्पीकिंग। सो इफ़ यू नो दीज वर्ड्स ऑफ दीज फ्रूट्स, दीज फ्रूट्स, देन आप इसको कहीं भी इजीली स्पीक आउट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ जब भी हम कभी भी कोई सी भी वर्ड्स को फर्स्ट टाइम बोलते हैं तो वी फील नर्वस कि हम कहीं प्रोनाउंसिएट रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं या हम गलत तो नहीं बोल रहे हैं, तो अगर आप इसको लर्न कर लेंगे देन यू आर नॉट एबल टू फील नर्वस और यू विल नॉट हेजिटेट वाइल स्पीकिंग। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को अंडरएस्टिमेट ना करें, छोटी से छोटी थिंग भी यू हैव टू लर्न, बिकॉज हर
छोटी थिंग से ही एक बड़ी थिंग बनती है. तो यू हैव टू प्रिपेयर ऑल दीज वर्ड्स आल्सो, दीज आर द बेसिक नीड ऑफ स्पोकन इंग्लिश. क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज रामबुटन एंड कीवी, और अगला है मैंगोस्टीन, एंड नेक्स्ट है कैंस्टेल. कीवीज तो मार्केट में दिख जाता है, बाकी जो थ्री हैं ये आई हैवंट सीन. आई होप कि आप शायद आपने देखा हो. कीवी इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है, ये मिल जाता है ईजिली. नेक्स्ट इज प्लांटेन, PLATAIN, प्लांटेन बनाना को ही प्लांटेन कहते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पम्पकिन, पम्पकिन एक वेजिटेबल है, ठीक है. अब इसमें भी ग्रीन वेजिटेरियन होता, ग्रीन पम्पकिन होता है एंड रेड पम्पकिन भी होता है, ठीक है. ओकेड, AVOCADO, एवोकेडो. अगला है गुआवा. नेक्स्ट इज कस्टर्ड एप्पल. नेक्स्ट इज बनाना, BANANA. कैस्यूनट, काजू जिसको बोलते हैं कैस्यूनट, काजू को इंग्लिश में कैस्यूनट बोलते हैं. नेक्स्ट इज कोकोनट, COCONUT, कोकोनट. नेक्स्ट इज कोकोआ, कोकोआ, COCOA, कोकोआ. अगला है से CHENNETTE, सेनेट. नेक्स्ट इज फाइव फिंगर्स, फाइव फिंगर्स, इसको एक और नाम से जाना जाता है, CARAM, कैरम बॉल, BOLA, ठीक है. नेक्स्ट इज ग्रेप्स फ्रूट, एंड नेक्स्ट इज लेमन, लेमन, लेमन इज ऑल्सो येलो कलर एंड ग्रीन कलर लेमन. नेक्स्ट इज टर्माइंड, TAMARIND, इमली को बोलते. नेक्स्ट इज मैंगो, मैंगो जो कि जैसे हिंदी में आम कहते हैं, किंग ऑफ फ्रूट्स. तो ये लिस्ट थी कुछ वेजिटेबल, कुछ फ्रूट्स की, जो जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मैंने आपको बताया. आई होप कि जो आपको आता होगा रिवाइज करेंगे, जो नहीं आता है, जिनकी इंग्लिश में क्या कहते हैं नहीं आता है, आप उसको लर्न करेंगे और अपनी वोकैब्स में एड ऑन करेंगे कुछ नए वर्ड्स. नेक्स्ट इज TANGERING, टेंजरीन. अगला है शुगर एप्पल, SUGAR, शुगर एप्पल, APPLE, एप्पल. आप फिगर को भी देखें, फिगर से आपके दिमाग में कीमेट सेट हो जाएगी और फिर आप ये वर्ड्स आसानी से लर्न कर पाएंगे. नेक्स्ट इज स्टार एप्पल, STARAPPLE, स्टार एप्पल, ये थर्ड नंबर है ऊपर से. नेक्स्ट इज SAPODILLA, सेपोडिला, सेपोडिला, या इसे नासबेरी भी कहते हैं, NASBERY, नासबेरी. अगला है सोर शोप, SOUR SOP, शोर शोप. नेक्स्ट इज POMERAC, POMIRACE, दिस इज POMIRACE. अगला है पाइनएप्पल, PINEAPPLE, पाइन एप्पल. नेक्स्ट इज पपाया, PAPAYA, पपाया. एंड नेक्स्ट इज MELON, मेलॉन. नेक्स्ट इज सुगर, SUGAR, शुगर कैन, दिस इज सुगर कैन. इसका फिगर नहीं, स्पेलिंग लिखा हुआ है, दैट सुगर कैन. एंड लास्ट क्या है, NONI, नॉनी. क्लियर? तो ये इसमें से बहुत सारे फ्रूट्स आपने शायद आपको ना पता हो, ठीक है. एंड तो इसकी फिगर और इसकी स्पेलिंग आप लर्न करें ताकि आप इनको भी जान सकें, कि आपको पता रहे कि व्हाट यू वी कॉल दीज. सो ये सारे वर्ड्स आप लर्न करें ताकि आपको पता चल रहे कि व्हाट वी कॉल दीज फ्रूट्स इन इंग्लिश. चलिए अगला देखिए है, ये सिनामन है. सिनामन एक मसाले का पार्ट होता है, इट्स नॉट फ्रूट, नाइदर इट इज़ वेजिटेबल. CINNAMON, सिनामन एक वेज स्पाइस है, ठीक है, जो मसाले में यूज किया जाता है. अगला है बे लीफ, BAYLEAF, बे लीफ, जिसे तेजपत्ता कहते हैं, ठीक है. क्लोव, CLOV, क्लोव, जिसको क्या बोलते हैं, लवंग, ठीक है, हिंदी में लवंग इसको बोलते हैं. अगला है नटमैग, NUT, नट, MEG, मैग, नटमैग. नेक्स्ट इज CHIVE, चिव. नेक्स्ट है बिग लीफ थाइमीन, बिग BIG LEAF, लीफ, THYME. और अगला है थाइम, THYMEN, थाइम्स.
तो ये कुछ मसाले हैं जिनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कुछ लीव्स हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, विद पिक्चर इट इज़ हेयर। आई होप कि आप इसको लर्न करेंगे और कुछ नए वर्ड्स एड ऑन करेंगे अपनी वो कैप्स में, दैट विल हेल्प यू इन योर कम्युनिकेशन। सो दैट जब भी वेन एवर यू सी देम यू कैन कॉल आउट, यू कैन स्पीक आउट देयर नेम इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट एनी डाउट्स एंड कन्फ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, यू नो बडी कैन प्रिपेयर लॉट्स ऑफ कैप्स, लॉट्स ऑफ इंग्लिश वर्ड, या किसी भी लैंग्वेज की बहुत सारे वर्ड्स को हम एक दिन में नहीं प्रिपेयर कर सकते। वी कैन प्रिपेयर 20 to 30 इफ वी वन, और इफ यू यू कैन रीड आउट मोर, आप ज़्यादा पढ़ तो लेंगे लेकिन सारे लर्न नहीं होंगे, लर्न होंगे लिमिटेड ही। सो हमें रेगुलर बेसिस पे लर्न करना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वो कैप, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड मीनिंग को, इंग्लिश वर्ड्स को लर्न कर सके और हमारे पास एक अच्छा खासा वर्ड बैंक हो जाए, वो कैप्स बैंक हो जाए, बैंक हो जाए, ताकि इसका यूज करके आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकें। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दीज वर्ड, दीज आर द बेसिक थिंग। ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन होता क्या हम सर्च करते हैं नहीं। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग इन वीडियो फॉर्म, ताकि आप इसको जल्दी से लर्न कर पाएँ विद द हेल्प ऑफ फिगर एंड ऑल। अगला देखिए क्या है, शुगर कैन। शुगर कैन, आपने शुगर कैन को यूज भी किया होगा, इसी से जैगरी और शुगर दोनों बनता है, शुगर कैन से, और शुगर कैन से भी डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, अगला है जिंजर, GINGER, जिंजर। जिंजर जिसको अदरक कहते हैं, ये एक हर्बल भी है और बहुत सारे वेजिटेबल और थिंग्स बनाने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सैग, SAGE, सैग। अगला है PIMINENTO, पिमिंटो पेपर। इट इज पिमेंटो पेपर, ये लाल मिर्च है, रेड मिर्च, दिस इज पिमेंटो पेपर, दिस इज रेड चिली, रेड पेपर, रेड चिली। अगला है स्कॉच बोनेट, SCOTCH, स्कॉच BOONET, बोनेट, या हॉट पेपर भी इसे कहते हैं। ठीक है, स्कॉच बोनेट या फिर हॉट पेपर भी इसे कहते हैं। क्लियर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको कुछ नए वर्ड्स मिले होंगे जो आपको शायद नहीं बता रहे हों, तो आप उसको लर्न करेंगे। दैट्स ऑल इन टुडे वीडियो, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड गुड लक, गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।